सर, मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि सारे एग्ज़ाम्स की डेट आ गए हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के डेट आ गए हैं, तो मिनिस्ट्री क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है कि इन बच्चों का ध्यान रखा जाए और उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए? ये बात सही है कि हमने जो बच्चे भी CBSE के प्रश्न पत्र थे, जो कुछ हाई स्कूल और इंटर के, उनकी भी तिथियां घोषित कर दी हैं और उन्हें तिथिवार विषयवार भी उनको पूरा टाइम टेबल मिल गया है। इधर हम लोगों ने नीट और JEE और JEE मेंस और JEE एडवांस की तिथियों को भी घोषित किया है। तो निश्चित रूप में जो एक अनिश्चितता थी, अस्थिरता थी अभिभावकों में, बच्चों में, पता नहीं कब परीक्षा का अचानक ना आ जाए और फिर होगी नहीं होगी, कब होगी, तो वो जो अस्थिरता थी वो ख़त्म हो गई। अब छात्रों को मालूम है, अभिभावकों को मालूम है कि कब कब क्या क्या परीक्षाएं होंगी, चाहे उच्च शिक्षा की होंगी चाहे स्कूली शिक्षा की होंगी, और किन किन तिथियों में होंगे। तो अब स्थिर तरीके से बच्चे अपने तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ये घोषित है और फिर किस तरीके से उसको देखा जाएगा, परीक्षा किस ढंग से होंगी, हमने उच्च शिक्षा में एक टास्क फोर्स गठित किया है UGC के नेतृत्व में। UGC उसको टास्क फोर्स को ये तय करेगी कि जब ये परीक्षाएं होंगी तो किस तरीके से उसकी सामाजिक दूरी हो, चाहे उसके यातायात का हो या समय का प्रबंधन हो, किस तरीके से वो करेंगे। ऐसे स्कूली शिक्षा में NCERT को ये कहा है कि एक टास्क फोर्स बना करके उसने लगभग लगभग पूरा काम कर दिया है। अब हम उसको भी घोषित करेंगे कि कब किस तरीके से बच्चा कहाँ पर परीक्षा के केंद्र में आएगा। एक अच्छी बात यह है कि इन बच्चों की परीक्षाएं अपने ही केंद्र में होंगी, अपने ही कॉलेज में होंगी, स्कूल में होंगी, उनको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हर दृष्टि से कैसे करके ये व्यवस्थित करके परीक्षाएं होंगी, इसमें स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों ही गहन चिंतन मंथन भी कर रहे हैं और उसका परिणाम भी अच्छा निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं।